गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी पांच टीम्स के बारे में जो कि प्रो कबड्डी सीजन 7 के अंदर यहां पे मुझे लगता है कि 101% यहां पे जो है प्लेऑफ्स में तो क्वालिफाई करने वाली है। इसी के साथ साथ ये सीजन वो पांच टीम्स के जीतने के यहां पे 99% चांसेस भी हैं। सो गाइस ये वीडियो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो है पिछले कुछ हफ्तों से मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था कुछ कारण वर्ष पर। गाइस यहाँ पे जो है आप रेगुलर वीडियो अपलोड होंगी। इसी के वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमने अपने चैनल पे अभी दो बहुत बड़े माइलस्टोन्स कंप्लीट करे हैं। पहला तो हमने यहाँ पे कंप्लीट करा है 1 मिलियन का यहाँ पे वॉच टाइम, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा यहाँ पे हमारी मोस्ट पॉपुलर वीडियो जो टॉप 10 अनसोल्ड प्लेयर की थी वो यहाँ पे हमारी इंडिविजुअल वीडियो बन गई है, जिसने 1 लाख व्यूज यहाँ पे क्रॉस करे हैं। सो गाइस उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी जल्दी से कंप्लीट करा दी, जिसमें आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पे Q&A लाने वाला हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे चैनल पे आप 1 मिलियन व्यूज भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पांचवी टीम की। सो गाइस वहां पे हमें नाम देखने को मिलता है दबंग दिल्ली का। यहाँ पे जो है दबंग दिल्ली का मैंने नाम इसलिए लिया है क्योंकि गाइस मुझे इस सीजन जो है पिछले सीजन तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे हमें दबंग दिल्ली की टीम नजर आई थी, जो कि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करी भी थी। बट गाइज इस सीजन में भी यहाँ पे जो है वैसी ही हमें टीम नजर आ रही है। गाइज मुझे लगता है कि इस सीजन में भी क्वालिफाई करने के पूरे चांसेस हैं दबंग दिल्ली के। गाइज यहाँ पे जो है रेडर्स की भूमिका में यहाँ पे नवीन कुमार गोयल, चंद्र रंजीत और यहाँ पे हमें अमन कादयान जैसे बड़े रेडर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिफेंडर्स में जोगिंदर नरवाल, रविंद्र पहल, विशाल माने और सोमवीर जैसे बड़े बड़े यहाँ पे डिफेंडर्स हमें देखने को मिलते हैं। और गाइज यहाँ पे ऑलराउंडर्स में भी यहाँ पे मिराज शेख और विजय मिल जाते हैं। विजय का मैं आपको बता दूं पिछले सीजन पटना मैच के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया था। सर इसलिए मुझे लगता है कि पांचवी टीम जो होगी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है वो है यहाँ पे दबंग दिल्ली। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे चौथी टीम के बारे में। सो गाइस यहाँ पे नाम लिखा आता है यूपी योद्धा का। गाइस यूपी योद्धा की भी इस साल बहुत ही ज्यादा बैलेंसिंग टीम है, पिछले हमने देखा था गाइस यहाँ पे जो है रियांग देवाड़ी का नहीं चले थे, इसके बावजूद भी यहाँ पे टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करी थी। बट गाइज इस साल अगर ईशांत तिवारी का ही फॉर्म अच्छी रहती है, उसके साथ आपको मोनू गोयत भी इस सीजन में मिलते हैं और श्रीकांत जाव तो आपके पास है ही। सो गाइज यहाँ पे जो है ये तीन रेडर्स के अलावा यहाँ पे डिफेंडर्स में नितेश कुमार, सचिन कुमार और यहाँ पे आपके पास अमित नरवाल हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ऑलराउंडर्स में, तो यहाँ पे आपके पास मोहसिन मसूदू, नरेंद्र यहाँ पे मतलब ये दो बहुत बड़े यहाँ पे ऑलराउंडर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो है डिफेंस रेडिंग और ऑलराउंडिंग कॉम्बिनेशन के साथ अगर मैं पूरी टीम देखूँ बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है कि इस साल क्वालिफाई करने वाली है, यहाँ पे प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली है यूपी योद्धा, यहाँ पे फाइनल तक भी पहुंच सकती है इस टीम के बलबूते पे। सर अब आप बात करें यहाँ पे तीसरी टीम की, तो गाइज यहाँ पे नाम लिखा जाता है पिछले सीजन के चैंपियंस बेंगलुरु बुल्स का। गाइज यहाँ पे जो है बेंगलुरु बुल्स ने रेडर्स की अगर मैं बात करूँ, गाइज यहाँ पे जो है रोहित कुमार, पवन कुमार, शेरावत और आपको विनोद कुमार देखने को मिलते हैं, जिन्होंने पिछले सीजन में ही इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया था कि यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स विजेता बनी थी। उसके बाद बात करूँ डिफेंडर्स की, तो गाइज यहाँ पे जो है महेंद्र सिंह, अमित शौर्यान और राजूलाल चौधरी आपको बड़े बड़े डिफेंडर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन्हें पिछले सीजन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करा था बेंगलुरु बुल्स के लिए। उसके अलावा ऑलराउंडिंग में भी यहाँ पे हमें आशीष सांगवान का नाम देखने को मिलता है। तो गाइज यहाँ पे जो है बेंगलुरु बुल्स की टीम पिछले साल से ही यहाँ पे मिलती जुलती है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं सिर्फ, और गाइज यहाँ पे जो है बहुत ही शानदार मुझे यहाँ पे टीम नज़र आ रही है। उसका बात करें दूसरी टीम की, जो गाइस यहाँ पे वहाँ पे नाम लिखा आता है तेलुगु टाइटंस का। जी हाँ, तेलुगु टाइटंस आज तक प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं करी है, बट गाइस इस सीजन मुझे लगता है कि तेलुगु टाइटंस जो है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि गाइस उनके पास स्टार रेडर सिद्धार्थ सिरी देसाई इस बार मौजूद है। मतलब गाइस उन्होंने ऑक्शन में इनको खरीदा है, इसी के साथ उनके भाई को भी यहाँ पे उन्होंने खरीद लिया है सूरज देसाई, मतलब गाइस ब्रदर कॉम्बिनेशन में देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तेलुगु टाइटंस 101% यहाँ पे क्वालिफाई करने वाली है। उसका हम बात करें डिफेंडर्स की, तो विशाल भारद्वाज, अबूजर मेघानी, सी अरुण और यहाँ पे फिलहाल मिरागर्दन भी हैं। इस तरह कृष्णा मदाने का भी प्रश्न बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। उसके लिए हम बात करें यहाँ पे ऑलराउंडर में, तो गाइस ड्विट जेनिंग यहाँ पे ऑलराउंडर बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अच्छा प्रश्न जो है वो दिखाया था। बाकी जो है यहाँ पे अगर मेन प्लेयर्स की बात करें तो गाइस वो यहाँ पे रेडर और डिफेंडर ही नजर आते हैं, और इनके बलबूते मुझे लगता है तेलुगु टाइटंस की टीम बेस्ट टीम मानी जा सकती है और प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करी जा सकती है। इसका बात कर ले यहाँ पे पहली टीम की, जो कि मुझे लगता है कि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है, वो है यहाँ पे तमिल थलाइवास। यहाँ पे जो है तमिल थलाइवास के अगर हम रेडर्स की बात करें तो यहाँ पे मैं अजय ठाकुर, राहुल चौधरी, शब्बीर बापू और विक्टर ओबरॉय जैसे बड़े बड़े रेडर्स का यहाँ पे नाम देखने को मिलता है। इसी के साथ डिफेंडर्स में मनजीत चिल्लर, मोहित चिल्लर और यहाँ पे हमें हेमंत चौहान का भी नाम देखने को मिलता है, और ऑलराउंडर्स में यहाँ पे रण सिंह और विनीत शर्मा, जो कि विनीत शर्मा तो फिर भी
इतना अच्छे कोई मैं प्लेयर नहीं मानता, बट रण सिंह अगर आपका ऑलराउंडिंग में है तो मैं आता हूँ टीम जो है बेस्ट, क्या मतलब सुपर बेस्ट हो जाती है। और गाइस मुझे लगता है इस साल जो है तमिल तलावस की टीम फाइनल तक भी जहाँ पे जा सकती है। सो गाइस यहाँ पे जो है ये पांच टीमें हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ पटना बाइट्स की, गाइस पटना बाइट्स भी मेरे को उतनी ज़्यादा ऑल टाइम फेवरेट है, हमें पाँच टीमें बतानी, बट गाइस जो भी पटना बाइट्स के फैन है वहाँ पे कमेंट करेंगे आपने उनमें नाम क्यों नहीं लिया। बट गाइज मैं आपको बता दूं पटना पायरेट्स भी यहाँ पे ऑल टीम फेवरेट है। और गाइज यहाँ पे जो है छह टीम यहाँ पे प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होती हैं, जिसमें छठी टीम मेरी पटना पायरेट्स ही बनने वाली है। गाइज यहाँ पे जो है प्रदीप नरवाल, चैन कोहली, नवीन जैसे बड़े बड़े डिफेंडर्स हैं, सुरेंद्र नाड़ा आपको यहाँ पे बॉस ऑफ यहाँ पे डिफेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके साथ साथ जयदीप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, इसी के साथ साथ हादी अशोक, जवाहर डागर और यहाँ पे रविंद्र ऑलराउंडर में भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है यही पांच टीमें आपको बताई और एक टीम आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दी, मतलब गाइस पूरी की पूरी छह टीम्स अभी के बलबूते पे यहाँ पे जो है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ऐसी रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, तो गाइस चैनल को फिर बेल भी दोबारा ना भूले। जय।